देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इधर झारखंड सरकार पंचायत पंचायत शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दम्भ भर रही है, मगर आज हम आपको एक जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। फिर आप तय कीजिए कैसी आजादी और कैसा अमृत महोत्सव। एक रिपोर्ट। झारखंड बने 21 साल बीत चुके हैं। इन 21 सालों में झारखंड कितना बदला, यह देखने के लिए हम आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड का दुर्गम और पहाड़ी गांव दुर्गा आटा, जहां गांव के ग्रामीण आज़ादी के 70 साल बाद भी पहाड़ी झरना के पानी पीने को मजबूर हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण अब तक विकास का पहिया 70 सालों से रुका पड़ा है। सरकार की योजना भी इस गाँव में नहीं पहुँच पाती है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अब तक इस गाँव में मनरेगा से भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। दुर्गा आटा गांव पहुंचने के लिए जंगल और पहाड़ी रास्ते से ही होकर गांव पहुंचा जा सकता है। इस गांव में प्रखंड की बीडीओ अपने प्रखंड कर्मियों के साथ पहुंची तो पहाड़ी और पथरीले रास्ते में कई बार मोटरसाइकिल को धकेलने पड़े। गांव के ग्रामीण बताते हैं इसी सड़क से उन्हें गांव के बीमार लोगों को खाट पर टांग कर मुख्य सड़क तक लाना होता है। गाँव की सबसे बड़ी समस्या सड़क और पानी की है। सड़क नहीं होने के कारण गाँव में चापाकल नहीं है। यही कारण है कि खेत से गड्ढा खोदकर ग्रामीण पानी पीते हैं। इस गड्ढे को गांव के लोग चूहा झरना का पानी कहते हैं। सबसे अधिक परेशानी बरसात के समय होती है, जब गंदा और मटमैला पानी पीने को ग्रामीण मजबूर होते हैं। वहीं सड़क नहीं होने के कारण गांव में सरकार की योजना भी नहीं पहुंच पाई है। दुर्गा आटा गाँव में कुल 26 घर हैं। जंगल और पहाड़ी होने के कारण यह इलाका वन भूमि है। 26 घरों में से 7 परिवारों को वन पट्टा दिया गया है। 4 परिवार के लिए पीएम आवास की भी स्वीकृति मिल गई, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण ईंट बालू सीमेंट सरिया गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता है, जिसके कारण से पीएम आवास नहीं बन पाया है। अन्य परिवार की बात करें तो उनके पास वन पट्टा नहीं है, जिस कारण पीएम आवास नहीं मिल पाया है। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण बच्चे दिन भर धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं। गांव से 4 किलोमीटर दूर नेत्रा से आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन दूर और जंगल रास्ता होने के कारण बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जाते हैं। इधर पहली बार मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमक मरे प्रखंड कर्मियों संग मोटरसाइकिल पर गांव पहुंची, जहां बीडीओ ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुई। बीडीओ सीमक मरे ने खेत में बने उस चूहा को भी देखा, जहाँ से गाँव के ग्रामीण पानी पीते हैं। बीडीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्वच्छ जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। बीडीओ सीमा कुमारी ने रोजगार हेतु सभी को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश ग्राम रोजगार सेवक को दी। साथ ही गांव में जिनका वन पट्टा है उनको बकरी शेड, मुर्गी शेड, दीदी बड़ी योजना शुरू कराने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बताया कि उक्त गाँव के संबंध में उच्च अधिकारियों को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा, ताकि इस गाँव को विकास के पथ पर लाया जाए। सड़क के संबंध में बीडीओ ने कहा कि जल्द ही विधायक और जिले के अधिकारी को इस समस्या से अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल बीडीओ के पहुंचने से ग्रामीणों को कुछ तो आश जगी है, लेकिन देखना यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद और झारखंड गठन के 21 साल बाद इस गांव में विकास की किरण कब पहुंचेगी। हम लोग का जो समस्या है हम लोग सब कुछ बताए। हम लोग का बहुत सारा समस्या है। यहाँ पर पानी भी सुविधा नहीं है, रोड भी सुविधा नहीं है। जो अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गया आदमी का तो उसको हम लोग खटिया से ले जाते हैं, नहीं तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आता है। यहाँ पर आधा रास्ता आता है। पीने का पानी तो और ज़्यादा समस्या है। अभी तो जब बरसात का टाइम होता है, अभी थोड़ा मिल रहा है, बरसात का टाइम आता है तो फिर वहाँ पर पूरा गंदा पानी हम लोग को खाना पड़ता है। पूरा नाला का पानी घुस जाता है वहाँ पर। फिर जब गर्मी का टाइम आता है तो फिर वहाँ पर सूख जाता है। सूख जाता है तो हम लोग को बर्तन से उठाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। हाँ, झरना है, कुआँ नहीं है। गड्ढा किया है? हाँ, गड्ढा किया हम लोग अपना से। यहाँ दुर्गा आटा यहाँ आए हैं आज वीडियो मैडम के साथ। यहाँ काफ़ी समस्या देखने को मिली। यहाँ पीने के लिए भी गंदा पानी पी रहे हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ तो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं तो इन लोग का वन पट्टा भी नहीं है, जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पा रही है। और बहुत सारे समस्या जो भी यहाँ पर जैसे बीमार हो रहे हैं उन लोगों के लिए आने जाने का बहुत ही दिक्कत हो रहा है। खटिया में लेके उनको पेशेंट को पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। यहाँ पर बहुत कुछ राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है,
बहुत सारे लाभ ऐसे मैंने वंचित है लोग जिन्हें इनको जरूरत है, और कोशिश करते हैं कि उन सब जितने भी योजना यहाँ नहीं हुई उसे पूरा हो। खंड कार्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर दुर्गा आटा गांव बसा हुआ है, जिसमें यहाँ रोड की बहुत ही भयावह समस्या है। यहाँ पहुंच पथ अच्छा नहीं होने के कारण जो अभी प्रधानमंत्री आवास भी 3 लोगों को मिले हैं, उनका मटेरियल नहीं आने के कारण उनका आवास पेंडिंग है। दूसरी तरह देख रहे हैं कि पानी की पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग चुआ से खेत का पानी पी रहे हैं, और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण इनको मनरेगा से भी हम सिंचाई कुआं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इतनी समस्या है तो इसको देखते हुए इसका कुछ ना कुछ हम लोग रास्ता निकालते हैं, और निश्चित रूप से इनका पानी पीने की व्यवस्था प्रखंड कार्यालय की ओर से किया जाएगा, और रोड के लिए हम लोग देखते हैं आगे प्रस्ताव भेज सकते हैं जिला, और इसमें कितना काम हो पाएगा। ये आवाज हर घर में लाती है खुशियाँ। ओएसएस फर्टिलिटी देते हैं आपको खुशियाँ नए मेहमान के आने की। आज ही आइए, स्कैनिंग और कंसल्टेशन का फायदा लीजिए। ओएसएस फर्टिलिटी, अब टाटा मोटर्स बरियातू।